हेलो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चली होगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेके जो भी प्राइमरी के फॉर्म यहाँ पे भरे हैं उनकी तैयारी मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेपर मैं आज करवाऊंगा सामान्य अध्ययन का करवाने वाला हूँ। देखिए, सामान्य अध्ययन में यहाँ पे कई चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले जैसे सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, यहाँ पे सामान्य सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य अध्ययन में इंक्लूड होती हैं। देखिए, 120 नंबर का पेपर टू आपका होता है। पेपर वन कंपलसरी है, 30% सिर्फ लाना है पेपर वन में आपकी, जिसमें से इंग्लिश 25 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं और 75 क्वेश्चंस आपके हिंदी, इंग्लिश या उर्दू से आते हैं। ठीक है, तो पेपर टू में सामान्य अध्ययन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 40 प्लस के आसपास मैथ्स के आएंगे और उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लमसम 80 प्रश्न आपके होने वाले हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा और ऑप्शंस भी पढ़ूंगा, अपने मन में आपको सॉल्व करना है। इससे आपको ये पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, फिलहाल के लिए आंसर वगैरह तो मैं बताता ही चलूँगा। देखिए, 20 दिन का यहाँ पे टोटल समय बचा हुआ है तो आपको अपने आप को एकदम झोंक देना है। 20 दिन आपको मान के चलना है कि आप सिलेक्शन लेके रहोगे, आपकी एक सीट फिक्स है। ठीक है, तो बीपीएससी में आपको एक सीट फिक्स करना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें मैथ्स भी आते हैं तो मैथ्स की मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि मैथ्स जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, तो मैथ्स की अलग वीडियो लाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ओएमआर सीट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 120 प्रश्न लास्ट में देखिएगा, 120 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। पेपर टू की ओएमआर सीट है। यहाँ पे ओएमआर सीट कैसे भरना है इसकी भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। मैं क्वेश्चंस को आंसर्स को पढ़ते चलूँगा और साथ ही साथ अपने मन में आपको ऑप्शन लगाना है और फिर मैं बाद में आपको ऑप्शन बताऊँगा कौन सा इसमें सही होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है, भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या होता है। तो इसके ऑप्शन को आप लोग अपने दिमाग में लगाइए, इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा। देखिए, भोजन करते समय हिचकी क्यों आती है कि जो श्वास नली होती है उसमें कुछ ना कुछ फंस जाता है। कहने का मतलब, जब भोजन आप करते हैं तो भोजन कणों का श्वसन नली में प्रवेश हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पे हिचकी आने लगती है। ठीक है, मनुष्य की आहार नली का संकुचित होना यह ऑप्शन नहीं है। श्वास लेने के वाल्व का काम ना करना, बंद कर देना तो इंसान सांस ही नहीं ले पाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि एक से अधिक मीन्स जहाँ पे ऑप्शन आपके 1, 2, 3 तीनों सही हो या 2 सही हो, तो उस ऐसे में जो है ऑप्शन नंबर 4 आपको लगाना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग यहां पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक तरीके से कहें, देखिए जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है, मींस प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है चाशनी को, जिसमें जैम और मुरब्बे को रखा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है इसके पीछे, ये बताना है। ऑप्शन से आपके, चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, चाशनी से सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं संकुचित हो जाती हैं। और तीसरा ऑप्शन है, चाशनी तापमान में वृद्धि करती है जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित होते हैं। एक चीज बता दें, अगर तापमान में वृद्धि होती है तो चीजें खराब होने लगती है, मीन्स गर्मी बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं संकुचित हो जाती है, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं 43 की। 43 में क्या है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। अब देखिए, पानी में इंसान नहीं जा सकता है, कहने का मतलब मृत सागर में इंसान पानी के नीचे नहीं जा सकता, सिर्फ सतह पर रह सकता है। तो ऐसा कब होता है, जब पानी का घनत्व तो अधिक होता है। ठीक है, इंसान का घनत्व तो कम होगा, पानी का घनत्व तो अधिक होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इस सागर में जो नमकीन पानी है इसका घनत्व तो जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, 20% अगर आपको बताएं, जो मृत सागर है इसकी एक एक्यूरेसी निकाली गई थी जिसमें से 1 लीटर जो पानी था इसमें 20% लवणता पाई गई, मीन्स नमक की मात्रा पाई गई थी। ठीक है, अगर 1 लीटर पानी है तो 200 ml यहां पे नमक ही सिर्फ मिल रहे थे, ये चीज निकल के आई थी। ठीक है, तो नमक पानी का घनत्व अधिक होता है, इस वजह से जो इंसान होता है वो सिर्फ सरफेस पे ही रह जाता है। 44 पे चलते हैं, मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा क्या होती है। देखिए, मलेरिया की रोकथाम के लिए अगर मछलियों को तालाब में छोड़ दिया जाता है तो जो लार्वा होते हैं ना, जो लार्वा होते हैं मच्छरों के, उसको मछलियां खा जाती हैं, इस वजह से मछलियों को छोड़ने की सलाह यहां पे दी जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चल लेते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पद चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, इसके पीछे कारण क्या है कि चंद्रमा पे अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो हवा या पानी का कोई अपरदन नहीं होता है, मीन्स हवा या पानी वहाँ पर नहीं पाया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, चंद्रमा पर वायुमंडल भी नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चंद्रमा पर वायु नहीं है और ना ही जल है और ना ही वहाँ पे जीव है। ठीक है, तो अतः चंद्रमा वायुमंडलीय जो है एक वायुमंडलहीन ग्रह कहा जाएगा इसके केस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर 46 कर लेते हैं कि महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। अब देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने रविंद्रनाथ टैगोर हैं, दूसरा मदन मोहन मालवीय हैं, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो इसमें से कौन से हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 1915 में स्वदेश वापसी के बाद यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले का अमूल्य योगदान यहाँ पर मिला था महात्मा गांधी को। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके कौन थे राजनीतिक गुरु थे, ये चीज आपको याद कर लेनी है। 47 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो भैया यहाँ पे ऑप्शन आपके हो जाएंगे 47 का 1 चंपा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलते हैं 48 पे। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, देखिए पहली बार भारत आया था ये तो डेट की बात हो गई, लेकिन एक चीज़ आपसे मैं पूछूँ कि साइमन कमीशन का पहले नाम क्या था। ठीक है, तो श्वेत कमीशन कहते थे, साइमन कमीशन को पहले श्वेत कमीशन कहा गया। ठीक है, श्वेत कमीशन के नाम से ही जो है साइमन कमीशन बनाया गया। 3 फरवरी 1928 को ये बंबई आया था साइमन कमीशन। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 में हुआ था और 1919 में ही जलियांवाला बाग हुआ था, ये तीनों चीज़ याद करिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 में जो समीक्षा हुई थी इसी के लिए साइमन कमीशन यहाँ पे किया गया था, और साइमन कमीशन कब किया गया था 1928 में किया गया था ये भी याद कर लीजिए, और 1919 में जलियांवाला बाग भी हुआ था पंजाब में। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको एक ही क्वेश्चन में याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में हुआ। देखिए मिलिंद पन्हो की अगर हम बात कर लें, कोई नाम नहीं एक बुक है। ठीक है, एक बुक है जिसमें मिलिंद राजा मिलिंद की बात हुई है और नागसेन एक जो कि बौद्ध भिक्षु था, इन दोनों की बातों को इस बुक में पिरोया गया है, तो मिलिंद पन्हो एक बुक यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 पर चलते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो किन के द्वारा किया गया था भारतीय साम्राज्य। यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा और चंद्रगुप्त द्वारा। ठीक है, तो ऐसे में आपका यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और ईस्वी में आपको बता देता हूँ 322 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी अगर प्रश्न आए तो आप लोग कर सकते हैं, 322 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद कनिष्क आए थे और उसके बाद हर्ष आए थे। ठीक है, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाला चंद्रगुप्त हो गए, फिर कनिष्क, फिर हर्ष। ठीक है, चंद्रगुप्त का 322 ईस्वी हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, और हर्ष का जो है 606 ईस्वी हो जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज आपको याद में रख लेना है। अब 50 के बाद प्रश्न नंबर आ जाते हैं 51 पे। 51वां प्रश्न क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे कि कांग्रेस पर जो पूर्ण स्वराज है कब प्रस्तावित किया था, तो यहां पर इसका हो जाएगा 1929 में पूर्ण स्वराज इन्होंने जो है किया था, और अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यहां पर 1900 अध्यक्ष थे जो है पूर्ण स्वराज कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, चलिए 52 चलते हैं, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेखों में उपलब्ध है। तो समुद्रगुप्त की सैनिक जो उपलब्धियां थी, इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न नंबर 52 में देखिए, अगर समुद्रगुप्त की बात करें ना, तो यहाँ पे एक 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए दक्षिण, यहाँ पे उत्तर आती है और दक्षिण, 2 चीज़ें आती हैं। उत्तर आपकी हो जाएगी ऊपर की तरफ, दक्षिण आपकी नीचे की दिशा होती है। तो उत्तर में 9 राज्यों को जीता था किसने, समुद्रगुप्त में, और नीचे अगर दक्षिण की तरफ बात करें तो 12 राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त ने, ये चीज़ आपको कॉमन सा याद कर लेना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे वर्णन किन अभिलेखों में उपलब्ध है, तो प्रयाग में यहाँ पे उपलब्ध है, ये चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रयाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 53 पे चलते हैं कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। देखिए अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि कुछ डेट्स मैंने आपको बताई थी जिसमें 1919 का मैंने जिक्र किया था, तो 1919 में मैंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जिक्र किया था और साथ ही साथ जलियांवाला बाग त्रासदी का भी जिक्र किया था, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रासदी 1919 पे हुई थी। ठीक है, अब देखिए 1919 की अगर यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट डेट की अगर हम बात करते हैं ना, 13 अप्रैल हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद करना, 13 अप्रैल 1919 पे चीज़ हुआ था। प्रश्न नंबर 54 में चलते हैं, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। अब देखिए वंदे मातरम की बात करें तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर जनगण मन की बात करें, देखिए ये राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम जो है एक हो जाता है राष्ट्रगीत, क्या हो जाता है राष्ट्रगीत हो जाता है, लेकिन वहीं पर अगर राष्ट्रगान की
बात करें तो ये राष्ट्रगान जो है वो जनगणमन एक राष्ट्रगान हो जाता है। राष्ट्रगान को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे रचना किया था और बंकिमचंद चटर्जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का रचना किया था। यहाँ पे दो प्रश्न आपके करेक्ट हो जाते हैं। 55 में चलते, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान को अलग का जो राज्य का आंदोलन था वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये आपको समझ लेना, ठीक है। 56 पे चलते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी यहाँ पे आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 1885 में हुई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी और किसके द्वारा हुई थी ये भी एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए ओ ह्यूम, ठीक है, याद कर लेना है, ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। अब प्रश्न नंबर चलते हैं यहाँ पे 57 पे, ठीक है। 57वां प्रश्न कहता है, भारत में प्रमुख प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो मुस्लिम आक्रमणकारी की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में आप याद कर लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे आया था कासिम, ठीक है, सबसे पहले आया था कासिम, ये पहला आक्रमणकारी था। दूसरा यहाँ पे था गजनवी और तीसरा था गोरी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोहम्मद कासिम ने किया था, आंसर तो इसका मोहम्मद कासिम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे पे गजनवी होगा और तीसरे पे गोरी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 पे चलते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, राष्ट्रपति की बात करें तो इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए 35 वर्ष की यहाँ पे उम्र होनी चाहिए, ये तो यहाँ पे करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी यहाँ पे करेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा असत्य है, तो दोनों सत्य है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा मिलके जो है इसके जो है सदन में इनके द्वारा जो है इसको चुना जाता है, तो ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात किया जाए कि ये अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 66 के तहत जो है यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। 59 पे चलते, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है? देखिए, लोकसभा से कोई भी चीज़ अगर पारित हो जाती है, स्वीकृति मिल जाती है, तो उसे राज्यसभा में कब तक रोक सकते, कहने का मतलब ये है, तो भैया 14 दिनों तक रोक सकते हैं, ये यहाँ पे प्रावधान टोटल बनाया गया है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 60 पे चलते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ना, या तो लोकसभा, तो केवल लोकसभा नहीं होगा, केवल राज्यसभा केवल नहीं लगेगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों द्वारा लाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 61 पे चलते हैं कि मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, एक लड़की है मीना जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है वहाँ पे, उसके कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है, अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगती है। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो देखिए, क्यों उसको ऐसा होता है? तो देखिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उसे दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो इससे सांस का कोई रिलेशन है ही नहीं। लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी सांस लेने में इकट्ठा हो जाता है, हाँ ये सही लग रहा है। लकड़ी के जलने से वातावरण में बिना जले कार्बन कण बिखर जाते हैं, वातावरण का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे सांस की बात हो रही है, तो सांस लेने में इकट्ठा हो जाते हैं, जो धुआं होता है उसके जो कण होते हैं, इसी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब लोग हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62। लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रालियों का प्रयोग करते हैं जिसमें घिरियाँ लगी होती हैं, ट्राली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है, तो ऐसा क्यों, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, ट्रालियों में प्रयुक्त जो घिरनी लगी होती है बल्कि दिशा बदल देती है, बात सही है, जब ऊपर से नीचे ढलान में जब जाते हैं लद्दाख में तो दिशा जो है बदल जाती है, जिससे वेट जो भार है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा घिरनी बल्कि दिशा बदल देती है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे दूसरा बात कर लेते हैं 63 की, वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदल है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्ट समझिएगा, लोग अक्सर इन क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। देखिए, यहां पे बात हुई है ना वाष्पीकरण की, मींस भाप निकलने लगती है, भाप तो भाई साहब थोड़ा सा पानी गर्म होगा तब भी निकल जाएगा, चाहे आपका 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 150 हो, निकलेगा तो जरूर। तो तापमान यहां पे कुछ लोग 100 लगा देते हैं, क्योंकि ना 100 बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 100 समझना है कि उबलने वाला जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर वाष्पीकरण की बात हुई, जल वाष्प की बात हुई, तो यहां पे कोई भी तापमान चल जाएगा, ठीक है, तो सभी तापमानों पर होगा, ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा, उबलने की बात हो तभी 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होने वाली है। 64वें प्रश्न की बात कर लेते हैं कि एक किसान डंडियों से अन्न कणों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है? तो भैया देखिए, थ्रेसिंग किया जाता है, जब हमें अनाजों को अलग करना होता है डंडियों से, या जो खरपतवार होते हैं उससे अगर बात किया जाए, ठीक है। 65 पे चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट कुआं में मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन से आपके सामने, कीटाणु रहित करने के लिए, दूसरे ऑप्शन से जल में मिली अशुद्धियों को तलहटी में बिठाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है जल को रंगहीन करने के लिए।
तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बता दें पोटेशियम परमैंगनेट कुएं में मिलाने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि उसको कीटाणु रहित किया जा सके। ठीक है, तलछटी बटाने उठाने के लिए नहीं किया जाता, रंगहीन वगैरह की भी कोई बात नहीं, क्योंकि पानी भी या पीने की बात होती है, तो शुद्धि के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जिससे कीटाणु वहाँ पे मर जाए। ठीक है, 65 यहाँ पे हो गया। बात करते हैं 66 की, वर्ष 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि भैया महिला कार्यबल भागीदारी का प्रतिशत बताना है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, तो ग्रामीण में भैया 4% है और शहरी क्षेत्रों में आपका 6.5% हो जाता है। ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी महिला कार्यबल भागीदारी की बात आए 20-21 की रेशियो की, ग्रामीण में 4% शहरी में 6.5% हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 66, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचन सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, कहने का मतलब है तो इनकी सरकार ने 1938 में, तो यहाँ पे कारण बताना है, तो कारण भी यह देख लीजिए, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का यहाँ पे कारण था, इसी वजह से इनकी सरकार ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया। देखिए जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसमें लोग क्या करते थे, अपनी कविताओं से जो हमारे सिपाही थे उनको प्रेरित किया जाता था। ठीक है, तो उन प्रेरित करने में जो राष्ट्रकवि का सम्मान प्रदान किया है उसमें से कौन है, यह चीज आपको बताना है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त को यहां पर राष्ट्रकवि का सम्मान यहां पर दिया गया था। कुछ इनकी कृतियां हैं, मान लीजिए अगर आ जाती है क्वेश्चन आ जाते हैं तो भारत भारती हो जाएगा इनके द्वारा जो पोएम थी, कहने का मतलब है, जिसके लिए इनको सम्मान प्रदान किया गया था, जो फेमस है भारत भारती है, यशोधरा है और साकेत है। ठीक है, यशोधरा है और यहाँ पे साकेत है, तो 3 यहाँ पे ऐसी कृतियाँ हैं जो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे चढ़ते हैं 69 पे। ठीक है, संविधान डैश लिखा है, को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। देखिए यहाँ पे सभी को आई होप पता होगा कि कब यहाँ पे संविधान लागू हुआ था, लेकिन लागू होने से पहले ना एक मसौदा तैयार किया गया था, उसकी डेट यहाँ पे बतानी है। देखिए मसौदा डेट तैयार करने की जो यहाँ पे डेट थी ना वो एक्चुअल में 29 अगस्त 1947 थी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे मैं कंफर्म आपको कर देना चाहता हूँ, जो संविधान था वो अपनाया गया था 1949 में, कब भैया, नवंबर में, 26 नवंबर 1949 में, याद करिएगा, तीनों क्वेश्चन मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आ गया 19 अगस्त 1947 जब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को यहाँ पे मसौदा तैयार किया गया। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है कि कब भैया अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, फिर 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। अपनाया और लागू दो शब्द हैं, तो ध्यान दीजिएगा 1949 में अपनाया गया, 1950 में लागू किया गया। आई होप आपको 3 प्रश्न यहाँ से कंफर्म हो गए होंगे। 70 पर चलते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। अब देखिए दूर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स आते हैं, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो देखिए 4 पॉइंट्स आ गए, ये 4 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं ऐसे बता देता हूँ। देखिए ये चीज़ आपकी होती है पूरब, ठीक है, ये होती है आपकी पश्चिम, ऊपर होता है आपका उत्तर और नीचे होती है आपकी दक्षिण। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। पूरब की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ तो पूरब में आपको देखने को क्या मिल जाएगा, पूरब में आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे गौर माता पूरब में अरुणाचल प्रदेश में आपका आखिरी बिंदु छोर हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में आपके गुजरात जाएंगे, गुजरात में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक छोर गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है यहाँ पे उत्तर की। ठीक है, अब देखिए उत्तरी सीमा की बात करें तो ऊपर आपको काराकोरम दर्रे देखने को मिल जाते हैं, उसके निकट सियाचिन ग्लेशियर, तो काराकोरम दर्रे या सियाचिन ग्लेशियर आप कह सकते हैं, ये उत्तर में ऊपरी भाग में देखने को मिल जाएगा। नीचे अगर दक्षिणी भाग में पूछे दो चीज़ें देखने को मिलती है, सबसे पहले दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, एक जमीनी बिंदु पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट हो जाता है, क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पे भी है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे जैसे मुख्य भूमि से अगर पूछा जाए दूरस्थ बिंदु क्या है, भूमि पे जो सटी हुई है, तो इसमें आपका निकल के आ जाएगा
कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में है, समझ गए, कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है, ये आपका निकल के आ जाएगा भूमि से। और वहीं अगर सिर्फ दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में इंदिरा पॉइंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 70, आई होप चार प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। 71 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात कर ले तो किससे नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं किससे किससे मिलती है, ये भी तो कन्फर्म होना जरूरी है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे मणिपुर से तो नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए मैप लाना जरूरी है, मैप मैं आज नहीं लाया, कल से मैं आपको मैप भी इंक्लूड करके बता दूंगा। तो वैसे देख लीजिए बांग्लादेश से कौन कौन मिलती है, मेघालय मिजोरम तो आपकी मिलती है, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल गया। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आप रिलेट कर सकते हो, फिर आसाम कर सकते हो, आसाम, ठीक है, आसाम है, असम है, और यहाँ पे त्रिपुरा आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल देखने को मिल जाएगा, मेघालय मिजोरम, ठीक है, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं, किससे, बांग्लादेश से सटे हुई सीमा होती हैं, लेकिन मणिपुर की सीमा सटी हुई नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 72 पे हम लोग देख लेते हैं, 72 क्या कह रहा है कि पंजशीर घाटी अवस्थित है, तो पंजशीर घाटी कहाँ पे है? तो पंजशीर घाटी सिंपल सा आप समझ लीजिए कि ये भैया अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी है, ठीक है। यहाँ पे आबादी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 14 लाख की आबादी है, ये भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है। 73 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अब कौन सा यहाँ पे गलत है ये चीज़ आपको लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात कर ले सुंदरवन, सुंदरवन पश्चिम बंगाल यहाँ पे सही है, भीतर और कनिका की बात करें ओडिशा, ये भी यहाँ पे सुमेलित सही है। वेम्बनाथ की अगर हम बात करें तो वेम्बनाथ ये आपका केरल में है, तो यहाँ पे आपका तीसरा जो है गलत हो गया, ठीक है। तो वेम्बनाथ कहाँ पे है? केरल में, केरल, ठीक है, केरल है। ये जगह की बात की जा रही है, किस स्टेट में कौन सी जगह है, ठीक है। 74 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास चार कक्षीय हृदय है? अब देखिए चार कक्षीय हृदय की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क करिएगा। देखिए पहला मोर, समुद्री घोड़ा, मेढक, कुछ लोग यहाँ पे समुद्री घोड़ा कहेंगे क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ही थोड़ी सी अलग होती है और ये समुद्र में पाया जाता है, इस वजह से कुछ लोग सोचेंगे कि समुद्री घोड़ा ही हो सकता है, मेढक तो एक नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब मोर ऑप्शन हो जाएगा कि इनकी चार कक्षीय हृदय होती हैं, किसके, मोर के होते हैं, चीज़ आपको याद कर लेना है। 75 पे चलते हैं, भारत की सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष में की गई थी, भैया किस वर्ष में घोषणा की गई थी सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस आ जाएंगे वो 1948 आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 6 अप्रैल 1948 6 अप्रैल, ठीक है, अगर आपको याद हो सके तो 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा की गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर पृथ्वी के जो क्षेत्र है ना वो किस चीज़ से भरा हुआ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे में देखिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जो सहारा रेगिस्तान वगैरह है इनसे, मतलब सूखी चीज़ों से फैला हुआ, सूखे प्लेसेस से फैला हुआ, इस वजह से शुष्क प्रदेश कह सकते हैं। अब देखिए कुछ जगह के भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एशिया में अगर हम बात करें तो अरब है ये, ठीक है, अरब में भी आपको देखिए ये रेगिस्तान देखने को मिल जाता है, सीरिया में रेगिस्तान देखने को मिल जाता है, थार मरुस्थल में देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ अफ्रीका में जो है आपको सहारा देखने को मिल जाता है, कालाहारी मरुस्थल देखने को मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको जो है देखने को मिल जाता है, उत्तरी अमेरिका में देखने को मिल जाता है, मतलब हर जगह आपको ज़्यादा से ज़्यादा बालू वाली चीज़ें देखने को मिलती है, कहने का मतलब सूखा शुष्क प्रदेश देखने को मिलती है, शुष्क जगह देखने को मिलती है। तो पृथ्वी ज़्यादातर इन सब चीज़ों से जो है क्षेत्र से फैला हुआ है, ये चीज़ आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। चलिए 77 में चलते हैं, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? देखिए अफगानिस्तान थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा, जो गानिस्तान लास्ट में लगा होता है, निस्तान निस्तान निस्तान, ये सब एक दूसरे से मिली होती है, ठीक है। तो जहाँ भी ऐसे ऑप्शन है ना ये तो मिली होंगी, लेकिन इसके अलावा जो हो जाते हैं ना वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो भैया रूस से नहीं होगी, जो निस्तान निस्तान वाले वो आपस में मिले होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो तुर्कमेनिस्तान ऑप्शन में है, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे ऑप्शन में है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान से मिली हुई हैं सारे देश, ठीक है। चलिए 78 पर चलते हैं, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, देखिए सबसे ज़्यादा नगर, एक शहर नगर कहते हैं, ठीक है, नगरीकृत मीन्स की अर्बन एरियाज़ की बात करें, रूरल नहीं अर्बन, शहरी एरियाज़ की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर में है, ठीक है। 100% कहने का मतलब 100% नगरीय व्यवस्था है भैया, नगर बसे हुए हैं सिंगापुर में। उसके बाद आपकी वेटिकन सिटीज़ आ जाती हैं जहाँ पर पॉपुलेशन तो कम है लेकिन टोटल नगरीकृत है, 100% में 100% है। लेकिन उसके बाद जो है आपकी अगर कुछ हम देश की बात करें जैसे कि इज़राइल है, यहाँ पर 92% आ जाते हैं, और साथ ही साथ जापान की बात
तो जापान में 91% जो है नगरीय क्षेत्र बसे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से जर्मनी की अगर हम बात कर लेते हैं, 74% जो है नगरीय क्षेत्र हैं सिर्फ, लेकिन सिंगापुर में 100% आपके नगरीय क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर जो है 79, मौलिक अधिकार की बात आती है। तो मौलिक अधिकार में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो भैया देखिए इसका क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार से आई होप आप लोग वाकिफ होंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो हमेशा तो भैया देखिए मौलिक अधिकार बदले नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति हो जैसे कि आपातकालीन स्थिति में इसको बदले जा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखिए प्रतिरक्षा सेना की अगर हम बात करें तब भी यहाँ पे मौलिक अधिकार बदले जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 80 पे हम लोग आ गए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन ही नहीं हुआ था। तो देखिए अगर हम राधा कृष्णन की बात करते हैं, देखिए आपके पास चार तीन ऑप्शंस हैं, राधा कृष्णन की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो क्या वो उपराष्ट्रपति पद पर थे, तो हाँ ज़रूर थे, राधा कृष्णन की अगर हम बात करें वो थे। अब यहाँ पर सन की अगर हम बात कर ले तो 1952 में राधा कृष्णन बने थे, ये उपराष्ट्रपति पद पर थे, ये चीज़ यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। साथ ही साथ जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो ये भी उपराष्ट्रपति पद पर थे, ठीक है, और ये कब हुए थे, 1962 में हुए थे, ठीक है। बात करते हैं नीलम संजीव रेड्डी की, तो ये भैया उपराष्ट्रपति पे ना होकर डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। अब इनकी सन की भी बात कर सकता है, तो 1977 में भैया कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी जो है राष्ट्रपति बने थे, और 5 साल कार्यकाल इनका था, कहने का मतलब अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 82 तक जाएगा, ठीक है। तो 82 तक नीलम संजीव रेड्डी थे और डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति पद ये पे नहीं गए थे, ठीक है। चलिए 81 की बात करें, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो देखिए सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे संसद को यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अब देखिए ये सबसे पुरानी वित्तीय समिति एक तरीके से है, सार्वजनिक लेखा समिति की बात करें, इसमें जो कुल सदस्य की अगर हम बात करें तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपके सात तो भैया जो है राज्यसभा से होते हैं और 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं, ये चीज़ आपको याद रख लेना, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। तो मतलब लोग जहाँ पर ज़्यादा है ऐसा याद कर सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर लोकसभा में ज़्यादा लोग होते हैं वहां पे 15 और राज्यसभा से जो है यहां पे 7, ठीक है। संसद और 22 यहां पे टोटल यहां पे हो जाते हैं, और लेखा समिति सबसे पुरानी है और जो रिपोर्ट होती है वो संसद को प्रस्तुत करती है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर यहां पे 82 कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो अनुच्छेद 17 की अगर बात करें तो भारतीय संविधान न्याय के समक्ष समानता, क्या अनुच्छेद 17 में इसकी बात होती है, तो हमारे ख्याल से तो नहीं होती है। दूसरा यहां पे ऑप्शन है अनुच्छेद 78 भारतीय संविधान संसद का गठन, अब देखिए संसद का जो गठन है ना वो 78 में ना होकर 79 में होती है संसद का गठन। अनुच्छेद 352 की बात करें तो ये संविधान में आपात स्थिति की घोषणा के लिए इस्तेमाल की जाती है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था सही, तो सही तो भैया तीसरा है लेकिन दूसरा हमने एडिट कर दिया। प्रश्न नंबर 83 आता है कि भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय जो संसद है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, क्या केवल लोकसभा से बन जाती है, ऐसा भी नहीं है, क्या लोकसभा से प्रधानमंत्री से बनती है, ऐसा भी नहीं है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद बनती है, ये चीज़ आपको याद पे रखना है। प्रश्न नंबर 84 की बात करें तो भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में अगर मातृभाषा के शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्था में प्रयास करने का बात करें तो जो अनुच्छेद है वो 350A अनुच्छेद हो जाएगा, सिर्फ सिंपल सा आपको इतना याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप प्रश्न नंबर 85 की बात कर लेते हैं, आर्थिक नियोजन एक विषय है तो ये किस सूची में आता है, कहने का मतलब सिर्फ ये है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपकी समवर्ती सूची आ जाएगा, समवर्ती सूची में आपका आर्थिक नियोजन आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है, E=MC² फॉर्मूला दिया था, काफी फेमस था, ये एक एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है।
तो ऐसे में कहा जाए तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये फॉर्मूला दिया गया था, तो ऐसे में यही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं, यहाँ पे कह रहा हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए प्राथमिक निभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे E इज इक्वल टू MCE का फॉर्मूला दिया था और यहाँ पे ऑप्शन नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये चीज़ दिया गया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 87 की बात कर लेते हैं कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं ऑप्शन आपके सामने दूरबीन के आविष्कार के लिए, कि या बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कि नहीं पृथ्वी के, ना कि पृथ्वी के, कैलकुलस की खोज के लिए, तो किसके लिए यहाँ पे दिया गया था। आपके सामने ऑप्शन था ऑप्शन नंबर दो निकोलस कोपरनिकस, यह बताने के लिए प्रसिद्ध हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 88 की बात कर ले, तो पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, तो दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर वन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो पॉस्चुराइजेशन का मतलब भी यहीं पर होता है कि पहले गर्म करना फिर उसको ठंडा कर देना, ये आपका पॉस्चुराइजेशन में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ और बता दें आपको, डिग्री की अगर बात कर ले तो 62 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये भी अगर पूछता है तो आपको ये ऑप्शन में दे देना है। प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं कि सूची एक सूची जो से सुमेलित करना है, तो चलिए सूची हम लोग देख लेते हैं सूची कह क्या रही है। देखिए सबसे पहले है कि सूची एक सूची दो, इकाई वॉट ऊष्मा, नॉट नौ संचालन, और नॉटिकल मील समुद्री जहाज की गति, यहाँ पे यूनिट की बात मीन्स इकाई की पूछ रही है और किस चीज की इकाई है ये सामने उसके लिखा हुआ है, ये चीज आपको यहां पे कंफर्म करके बताना है। और यहां पे कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो यहां पे चलिए हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ठीक है। देखिए वॉट की बात करें तो वॉट क्या है ना, पावर की है, वॉट जो है यहां पे पावर की है, मतलब ए का हो जाएगा 4, ठीक है। अगर हम नॉट की बात कर ले तो नॉट जो है समुद्री जहाज की गति के बारे में बताता है, मतलब बी का 3 हो जाएगा। नॉटिकल मील की अगर हम बात कर ले तो नौ संचालन के लिए यहां पे हो जाएगा, ठीक है, मतलब दूरी के लिए। फिर कैलोरी की बात करना थी, ऊष्मा का ऑप्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब वॉट मतलब ए का 3 था, बी का 4 था, तो ऐसे में ऑप्शन ऐसे कोई हैं ए का 3 बी का 4 ऐसा कुछ निकल के आ रहा था, नहीं, वॉट आपका शक्ति मतलब ए का 4 हमने लगाया था और बी का 3, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। यूनिट्स वाले क्वेश्चन है, साइंस का प्रश्न था यहाँ पे। देखिए प्रश्न नंबर 90 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य भाई साहब यहाँ पे, तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, ये चीज आपको यहां पे बताना है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का वेग की अगर हम बात कर लें तो कितना होता है, एक्चुअल में लगभग सभी जानते होंगे 3 × 10^10 आई होप 8 मीटर पर सेकंड होता है यहां पे प्रकाश का वेग, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर ध्वनि की बात करें हम, जो ध्वनि होती है सॉरी, ध्वनि की गति की अगर हम बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड यहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम पानी की बात करें, प्रकाश की जो होती है, तो यहाँ पे ये घट के 3 × 2.25 हो जाती है, 10^8 हो जाती है, ठीक है। ये भैया प्रकाश का वेग है, ये आपका हवा में है, मीन्स वैक्यूम कह सकते हैं, ये पानी में है, लेकिन वहीं पर 332 जो मैंने आपको बताया ये ध्वनि का वेग है। तो सबसे ज़्यादा वेग किसका देखने को मिला, प्रकाश का वेग सबसे अधिक यहाँ पे देखने को हम लोग को मिला, ठीक है। उसके बाद किसका देखने को मिला, उसके बाद पानी में देखने को, फिर है ध्वनि का हमें देखने को मिल गया, ठीक है। आई होप आपको ये कंफर्म हो गया होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 91 की बात कर ले, एनीमिया एक विकार है, एक बीमारी है, एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होती है, तो रक्त में भाई साहब यहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 92 की बात करते हैं, नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, ऐसा क्यों कहा। ऑप्शन है, ग्लूकोज से उल्टी दस्त तुरंत रुक जाते हैं, ग्लूकोज से अमाशय तुरंत तो नहीं रुकते भाई साहब, ऐसा आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत, ग्लूकोज से अमाशय में पाचन क्रिया तेज हो जाती है ऐसा भी नहीं है, ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है, सही बात है, उल्टी पेट होती है तो एनर्जी कम होने लगती है, और ऐसे केस में ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर में जो है क्या करती है, ताकत देती है। प्रश्न नंबर 93, वनों का वास्तविक दावेदार कौन है, तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने, वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं, ठीक है, तो ये भैया पहला ऑप्शन हो गया, वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सरकार का वन विभाग जिसके पास भूमि का अधिकार है।
तीसरा ऑप्शन है विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग करने वाले उद्योगपति। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस देखने को मिले हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि जंगल में दावेदार जनजातियाँ आदिवासियों को माना गया है, तो इसमें से सरकार के वन विभाग का ऑप्शन ना होके पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं, जैसे कि आदिवासियों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 94 की बात कर लें। शहरों में नगर निगम दो प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक नीला रंग का बैग था, एक हरे रंग की बाल्टी होती थी। तो दोनों बाल्टियों में क्या इस्तेमाल है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए, सबसे पहले नीले में ऐसा मतलब कूड़ा डाला जाता है जो कि विघलित हो, बायोडिग्रेडेबल, जो कि मतलब मिटाया जा सके, खत्म किया जा सके। दूसरा, विघलित ना होने वाले मीन्स कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो हरे में पड़ता था। ठीक है, तो नीले में आपकी जो चीज़ें डिस्ट्रॉय की जा सकें, विघलित की जा सके, वो नीले में, जो ना की जा सके वो हरे में पड़ता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 95 की बात कर लें। गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं, क्योंकि कारण क्या है उसका, कारण बताइए। दोनों आँखों एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। ऑप्शन नंबर 2, सिर के दोनों ओर स्थित आंखें देखने दायरा बढ़ाती है, आंखों की पुतलियां स्थिर होती हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये चीज़ आप लोग बताइए। देखिए, ऑप्शन में पहला देखिएगा, दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है, बिल्कुल सही प्रश्न है, और यहीं से स्पष्ट वो देख पाती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 96 है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, भाई इसका कारण क्या है। ऑप्शन है, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, भाप का अपव्यय नहीं होता है, भाप खाना को शीघ्रता से पका देती है। यहाँ पे कई चीज़ें आपके सामने निकल के आई हैं। सबसे पहले देखिएगा, भाप खाना को शीघ्रता से पका देती है, कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा, तो ये ऑप्शन गलत कर देते हैं। भाप का अपव्यय नहीं होता, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बढ़ा हुआ दाब। देखिए, सबसे पहले क्या है, जब आप कुकर को बंद कर दे तो उसमें दाब जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो जो क्वथनांक है वो भी बढ़ जाता है। जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो इसी केस से जो है, जो आपके खाने हैं वो जल्दी यहाँ पे पक जाते हैं। और डिग्री की अगर हम बात करें तो 120 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते, ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 चलते हैं कि सूची कुछ दी गई है, उसमें आपको मिलान करना है। देखिए, वाशिंग सोडा की बात कर लें, वाशिंग सोडा तो हम लोग कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं, वाशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट से मिल जाएगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट हो गया। फिर आता है कॉस्टिक सोडा, तो कॉस्टिक सोडा ये भी हम लोगों ने पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो कॉस्टिक सोडा आपका बी का वन, तो ए का 4 बी का 1 करके आ जाते हैं। और फिर नीला थोथा भी देख लेते हैं, तो नीला थोथा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका कॉपर सल्फेट से मिल जाएगा, और हाइपो एक ऑप्शन बच रहा है, सोडियम थायरोसल्फेट से मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आप लोग जो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शंस देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 हम लोग चलिए देख लेते हैं। 98 में पारे की साधारणतया तापमानीय यंत्रों में उपयोग किया जाता है, पारा मीन्स यहाँ पे मरकरी की बात करें, क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है। देखिए, पारे की अगर हम बात करें तो पारा जो होता है ये हमेशा द्रव में रहता है, कहने का मतलब इसका जो मतलब लिक्विड फॉर्म में हमेशा रहता है, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, जिसको कि पारा कहा जाता है। तो ऑप्शन में ऐसे ही पूछा जा रहा है कि इनकी विशेषता क्या है, तो विशेषता ये भी है, जब लिक्विड में रहते हैं तो उच्च द्रवता इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये ऑप्शन पारे के पास, पारे से कोई संबंधित चीज़ें हैं ना, तो आपको लिक्विड द्रवता ही लेना है। ठीक है, चलिए 99 बात कर लेते हैं कि एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया क्या चीज़ बताता है, बहुत तेज़ी से चलने वाली नावों को, या फिर केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबियंस किसे कहते हैं, जो भी या जल में और थल में, कहने का मतलब जल और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेढक की अगर हम बात कर लेते हैं तो जल थल दोनों पे रह सकता है, व्हेल मछली की बात कर सकते हैं जल थल दोनों पे रह सकती हैं, तो ऐसे को एम्फीबियंस कहा जाता है। ठीक है, 99 प्रश्न नंबर 100 हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोगों ने 41 प्रश्न स्टार्ट किया था, टोटल 60 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कर लिया। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है, या परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, या मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, या बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे बताना है आप लोगों को मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए, यहाँ पे सामने चारों ऑप्शन है, इसमें से जो पहला ऑप्शन है ना, परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ठीक है, ये सत्य नहीं है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, सही बात है, बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ये भी सही बात है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम लोग चलते 101, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो परमाणु ऊर्जा की जैसे ही बात आए तो यहाँ पे HJ भाभा की बात आती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 102 की बात कर लेते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है,
है। तो अनुसंधान और विकास का जो श्रेय जाता है यहाँ पे विक्रम साराभाई को जाता है, जो कि इसरो के जो है यहाँ पे इन्होंने निर्माण किया था इसरो का। और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान विज्ञान का अगर श्रेय की बात करें तो साराभाई को ही यहाँ पे जाएगा, ये चीज़ आपको याद में रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 103 हम लोग देख लेते हैं। 103 यहाँ पे क्या कहता है कि कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं, निम्न में से कौन जल में घुलनशील है। देखिए यहाँ पे विटामिन्स की बात हो रही है जो पानी में घुल सकते, कहने का मतलब ये है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो यहाँ पे देखिएगा विटामिन ए बी डी है, विटामिन ए डी ई के है, बी एन सी है। देखिए सी पकड़ में आ गया, सी मीन्स खट्टे, खट्टे मीन्स नींबू वबू हम लोग पानी में मिला सकते हैं। तो यहाँ से हमने खट से पकड़ लिया कि विटामिन बी एवं सी जो है जल में घुलनशील होते हैं और जो नहीं होते हैं वो ई डी ई के होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद में रखना है, ठीक है। छोटा सा क्लू पकड़ना है बस। 104 पे चलते हैं कि अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो अपोहक जिसके कार्य प्रयुक्त होता है, अपोहक मैंने कि में डायलिसिस होती है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे डायलिसिस की बात हो रही है, ठीक है। डायलिसिस, डायलिसिस कहाँ होती है भैया, किडनी में होती है। किडनी को क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। तो वृक्क में क्या होती है, डायलिसिस होती है। ये चीज़ आपको समझ लेना है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो समझ नहीं पाते हैं। 105 पे चलते हैं कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है। पैतृकता मीन्स की जीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, कि मतलब अपने पिता का लड़का है, ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो इसको किससे किया जा सकता है, भैया डीएनए से कर सकते हैं और अंगुली छाप से कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका 105 हो गया। 106 की बात करें तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। योग्यता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो भैया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज़ आपको याद में रख लेना है, ठीक है। 107 पे चलते हैं, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बनांक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदरबांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, इन चीज़ों से कौन सी जानकारी मिलती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नंद वंश के बारे में नहीं मिलती, मौर्य युग के बारे में नहीं मिलती। 107 के बाद आते हैं 108, कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है, किस वजह से कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है, ये चीज़ आपको बताना है। और कल्पक्कम की अगर हम बात करें तो ये एक तमिलनाडु राज्य में स्थित, ठीक है, एक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। कौन है, कल्पक्कम, किस लिए रहा है, परमाणु शक्ति परियोजना के कारण ये सुर्खियों में रहा है। तो ये दो बातें आपको याद में रख लेनी है। प्रश्न नंबर 109 पे चलते हैं, टोटल 120 प्रश्न यहाँ पे हैं, ठीक है, क्योंकि 61 में 120 क्वेश्चन आते हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन को मैंने नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक अध्ययन करवाया, ठीक है। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, हिमनद द्रवीभूत होने लगे, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप। देखिए इससे इफेक्ट क्या आते हैं, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हिमनद द्रवीभूत होने लगता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब एक नहीं, यहाँ पे कई ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। अगर करेक्टनेस की बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। सबसे पहले है हिमनद द्रवीभूत होने लगते हैं, तीसरा है समय से पूर्व आम में बौर आने लगता है, और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है भूमंडलीय के कारण, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 110 प्रश्न पे चलते हैं, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कर, 110 का नंबर 2। प्रश्न नंबर 111 आ रहा है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर 1956 तक थी, दूसरी की बात करें 1956 से लेकर 1961 तक थी, इसी में 5-5 बार जोड़ते जाइए। लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो वर्ष चतुर्थ है ये भैया गलत है, क्योंकि 1966 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे अवकाश घोषित कर दिया गया था 1971 तक,
ठीक है, एक चीज़ और बता दें आपको, जो 12वीं टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है और जो 12वीं लेटेस्ट है वो आपकी 2012 से लेके 2017 के बीच चल रही है। फिर इसके बाद इसका नाम बदल के नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, तो 2017 के बाद से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं हुई है और यहाँ पे 1966 से लीव चला था, गैप हो गया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 112 की बात कर लें, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? ठीक है, तो 30 किसका भैया? तो आपने पीरियोडिक टेबल एक तरीके से अगर पढ़ा होगा तो आपको बता दे जिंक जो है इसका यहाँ पे 30 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद में रख लेनी है। तो कहने का मतलब 20-30 तक आप लोग एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिएगा, साइंस ऐसे प्रश्न पढ़ना है। 113 की बात कर ले, मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तदाता भी कहा जाता है, तो ऐसे केस में जो ऑप्शन है आपके सामने अशोक हो जाते हैं, बिंदुसार हैं और चंद्रगुप्त देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भैया भारत का मुक्तदाता भी कहा जाए तो चंद्रगुप्त हो जाएगा। एक प्रश्न से पहले भी बन के आया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है प्रश्न नंबर 114, चावल की भूसी के तेल से स्थिरीकरण स्टेबिलाइजेशन में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? भूसी के तेल के स्थिरीकरण में तो किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो हाइड्रो लेज है, कैटालेज, आपके दो ऑप्शन यहाँ पे हो जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका 114, कैटालेज है, और यहाँ पे ऑप्शंस आपके नहीं दिख रहे हैं तो बता देते हैं आपको हम, आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा। 114 की अगर हम बात कर लें कि चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट वाला आपको बता देते हैं कि भूसी का तेल जो सीरम होता है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायता करता है, हृदय रोगों के खतरा को रोकता है। ठीक है, तो इसमें भैया देखिए लाइपेज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम यहाँ पे किया जाता है जो कि ऑप्शंस में यहाँ पे जो है कट गया है, तो दो ही ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो करेक्ट वाला है इसका करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 114 के बाद आते हैं 115 पृष्ठ पे, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए अब भैया बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन से अंगुत्तर निकाय से, कल्प सूत्र से, विनय पिटक से, या फिर इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से आपको मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो बौद्ध रचनाएँ हुई थी 16 महाजनपद और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है, जो भी बौद्ध की रचनाएँ हुई थी। ठीक है, जिसमें से 16 महाजनपद और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। इसमें 3 महाजनपद अंग, मगध, लिच्छवी गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पर विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ऑप्शन में आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर चलते 116, महात्मा बुद्ध के समकालीन था बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और उदयन, 3 ऑप्शंस हैं और चौथा या एक से ज़्यादा या उपर्युक्त में से कोई नहीं थे, इसका ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे समकालीन कौन था? तो बिंबिसार, 116 का प्रश्न ऑप्शन नंबर 1। 117 में आते हैं, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, किससे संबंध था? महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ, ये तो क्लियर है, किससे संबंध था ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वज्जी संघ से यहाँ पे संबंध था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 118 चलते हैं, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि, यहाँ पे कारण क्या है? समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा, ऑप्शन से आपके सबसे पहले समुद्री जल नमकीन होता है क्या इस वजह से, या समुद्री जल गहरा होता है इस वजह से, समुद्री जल भारी होता है इस वजह से। ठीक है, तो चीज़ बताया खारे पानी का जो घनत्व होता है ना वो भैया मीठे जल के अगर कंपेयर में देखा जाए तो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि समुद्री जल जो होता है भारी होता है, जिसके घनत्व जो है ज़्यादा होता है, तो इसमें तैरना काफ़ी आसान होता है, नहीं तो आप डूब सकते हैं अगर घनत्व तो कम होगा। अगर आपका घनत्व तो ज़्यादा हुआ तो आप नीचे जाएंगे, अगर आपका घनत्व तो जल से कम हुआ तो आप ऊपर ही रह जाएंगे, इसलिए तैरना यहाँ पे आसान होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 119 है कि डैस ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया
और विजय स्तंभ स्थापित किया। देखिए एक कहानी है इसके पीछे की, जो बात कर रहे थे सारंगपुर की लड़ाई हुई थी, ठीक है, सारंगपुर की लड़ाई हुई थी जिसमें राणा कुंभा थे एक, और यहाँ पे इन्होंने सुल्तान महमूद खिलजी से जो है यहाँ पे लड़ाई हुई। राणा कुंभा सुल्तान महमूद खिलजी से लड़ाई हुई, कहाँ पे हुई भैया, सारंगपुर में हुई, ये चीज़ भी आपको याद में रख लेना है। तो यहाँ पे लड़ाई हुई, तो ऐसे केस में क्या हुआ, तो ये ईस्वी की बात करें 1437 की ये बात है, ठीक है, 1437 की यहाँ पे बात हो जाती है। तो इसमें राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित कर दिया था। तो पराजित करने के बाद इसने क्या किया कि विजय स्तंभ का यहाँ पे निर्माण किया था, यह चीज़ आपको याद में रख लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 120 है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने डैस के रूप में 2021-23 की शुरुआत की है। तो संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का दशक, दूसरा ऑप्शन है सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक, तीसरा ऑप्शन कट गया लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये आता है आपका गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक इन्होंने शुरू किया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा ना ये यही हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन के लिए यहाँ पे नया राष्ट्र दशक इन्होंने शुरू किया है। तो ये थे पूरे 120 प्रश्न, और आपके इसमें से कितने सही हुए हैं ये चीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट आपके रोज़ चलेंगे। मैं देखिए टोटल अगर बता दूँ आपको तो 15 प्रैक्टिस सेट मैं रोज़ यहाँ पे मतलब टोटल करने वालों, क्योंकि 20 दिन बचे हुए हैं जिसमें से मैथ्स के अलग क्वेश्चन 40-40 हैं, तो वो मैं अलग कराऊँगा अगर टाइम मिला तो। लेकिन यहाँ पर सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चन हैं ये पूरी मैं कन्फर्मेशन करता हूँ कि आपका सब कुछ यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। रोज़ आपके यहाँ पे 80 प्रश्न जो है आपके होने वाले हैं सामान्य अध्ययन से, जहाँ से आप 70+ नंबर ला सकते हो अगर रोज़ाना आप इस वीडियोस को देखते हो, ठीक है। तो रोज़ाना आपको वीडियोस मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के नाम से, यहाँ पे आप आके आप अपने आप को तैयारी देख सकते हो, आपके कितने तैयार हैं, और साथ ही साथ मैं आंसर भी बताते चल रहा हूँ, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए।